मंडी सदर हलके की कोतली तहसील के गांव कासन खलाणु का 30 वर्षीय जयदेव 2021 से किडनी की बीमारी से जूझ रहा है। माँ बाप का इकलौता बेटा है और दौड़ धूप करके वही अपने परिवार को पाल रहा था, क्योंकि पिता हिम्मत राम भी कोई काम नहीं करते, जबकि घर में माँ के पास भी कोई काम नहीं है। जयदेव ने बताया कि 2021 में नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था। उसके 3 महीने बाद फिर से पेट में दर्द उठा तो वह जोनल अस्पताल मंडी गया। जांच में पाया कि उसकी किडनी में कोई लाल दाग आ गया है। ऐसे में उसे IGMC शिमला के लिए रेफर कर दिया गया। वहां से इलाज शुरू हुआ, जिससे वह कुछ वक्त ठीक रहा। उसने बताया कि पिछले साल फिर से उसे दर्द शुरू हुआ तो फिर शिमला गया, जहाँ जाँच में पाया गया कि उसकी किडनी में इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है और इसका ऑपरेशन होगा। जयदेव ने बताया कि उसके पास आय का कोई भी साधन नहीं है। उन्होंने बताया कि इधर उधर से उधार लेकर इलाज करवा रहा हूं, मगर अब कोई भी उधार नहीं मिल रहा है। ऑपरेशन में भी लाखों का खर्चा आएगा। जयदेव ने बताया कि हिमकेयर का कार्ड भी चला रहा हूं, मगर उसमें भी अब 1 लाख से लगभग राशि ही बची है। दवाइयाँ व अन्य खर्चा करने के लिए कोई पैसा नहीं है। जयदेव ने कहा कि अब दानी सज्जन ही उसकी जान बचा सकते हैं। उसने गुहार लगाई है कि दानी सज्जन उसकी मदद करें। इसके लिए उसके भारतीय स्टेट बैंक के खाता नंबर 3818703978 2, IFC कोड SBIN 0000676 या गूगल पे नंबर 8679021831 पर मदद भेज सकते हैं। मेरा नाम जयदेव है, मैं कोटली का रहने वाला हूँ। मेरी दोनों किडनियाँ खराब हो गई है और मेरे पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं हैं और घर में कमाने वाला कोई नहीं है। फादर भी घर में ही रहते हैं और माता जी दिहाड़ी का काम करते हैं, 200-300 रुपये वो कमाते हैं, लेकिन कमाने का साधन था। लेकिन अब मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी दोनों ही किडनी ख़राब हो गई है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जितना हो सके उतनिया मेरा सहयोग करें, ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूं। हॉस्पिटल में शिमला में मेरा इलाज चल रहा है, लेकिन जो किडनी दे रहे हैं उनके लिए मेरे पास पैसे इतने नहीं हैं कि मैं अपना इलाज करवा सकूं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया मेरा सहयोग करें। मुझे 5 लाख से 7 लाख के बीच का खर्चा आ रहा है। मेरा ऑपरेशन नेरचौक मेडिकल 2021 में हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद जब मुझे दर्द उठा और मैंने चेकअप करवाया तो पाया कि किडनी में लाल दाग है। और फिर उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी खाने के लिए, लेकिन ज़्यादा इन्फेक्शन होने से मुझे मंडी से शिमला के लिए रेफर कर दिया गया। अब मेरा इलाज शिमला में चल रहा है। जब वहाँ चेकअप करवाया गया, अल्ट्रासाउंड करवाया गए, तो एक किडनी बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी है और दूसरी किडनी में ज़्यादा इन्फेक्शन बनने से मेरी दोनों किडनी खराब हो गई है। अब मेरे पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि जितना हो सके उतना मेरा सेव करें, ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूं। नमस्कार। हिमाचल प्रस्तुत के मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।